जी मस्ती ले आनंद ले आपके बीच में दिनेश देसी घी। वैसे नाम ही मेरा ऐसा देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते थे नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि आदरणीय मोदी जी मेरी पत्नी भी, अग्रवाल जी मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती कि तुम अपना नाम बदल लो, तो अपना नाम बदल लो वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में, बहुत सारे के नाम शेर सिंह लेकिन बकरे से डरे, बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। लटोरी जी मैं पढ़ाता हूँ प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में, 2007 में मेरी पोस्टिंग हुई। मैं स्कूल के अंदर गया, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा, नहीं रंगो, बाप को नाम नहीं चंगो, ओके बाप को नाम नहीं भीख मंगो। मैंने कहीं पूरा खानदान नंगो है, साला चड्डा पहन के स्कूल आता, तेरे बाप को बुला के ला कि साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मन की क्यों नहीं आ सकता कि साहब नहीं आ सकता। अरे मन की क्यों नहीं आ सकता कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के दफन स्कूल आ गया। मतलब पट्टों की एक चड्डे से सेटिंग। मन की चल छोड़ तेरे घर में चला जाता हूँ, ये बता तेरा घर का है कि साहब नीम के सामने। नीम का है मेरे घर के सामने। अबे तेरा घर का है नीम के सामने, नीम का है मेरे घर के सामने, मन की दोनों का है तो आमने सामने। अरे मन की एक एस बी एम मैंने छोड़ोगे लत्ते कपड़े से क्या लेना देना। मैंने भूगोल निकाला, सारी नदियों का पाठ पढ़ा डाला, फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा मन की क्या नाम है तेरा, रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है। तो रामलाल कहने लगे बाप की कसम मारता हमारे पिताजी ने यहाँ की स्कूल से घरे जाना, घरे से स्कूल आना, कोई कोई से मिले अपने कहीं लेना देना। तिवारी जी दूसरा लड़का से पूछी मना कर दे तीसरे तबाव से खड़ो मार्शल मारे मालूम उनके ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती किससे मिलती है। तो लड़का कहेगा मार्शल गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है, शर्मा जी के छोरे से मिलती है। कंफ्यूजन हो जाता है साहब, और जब कंफ्यूजन होता है तब जाकर कोई बेवकूफ कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी कोई गर्दन पर छुरी रख दे। मत बोल भाई, तेरी एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और रोजाना भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पे छुरी रख दो, तेरी गर्दन पे काहे के लिए छुरी रखे। तुझे मालूम नहीं माँ क्या होती है, क्या होती है। जिस दिन तो तुझे माँ का महत्व मालूम पड़ जाएगा उस दिन अपनी कही हुई बात पर पछताएगा। एक भैया माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह, ये मैंने ही नहीं, ये मैंने ही नहीं, वेदों ने भी कहा है। हमें जन्म देने के लिए 9 महीने की पीड़ा को उस माँ ने सहा है, तब कहता हूं कि माँ ममता है पिता प्यार है। माँ ममता है पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलाना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। नीरव मोदी साहब कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। लटोरी जी आदमी कहना कुछ चाहता है और कह कुछ जाता है। वो हमारे यहाँ 15 अगस्त पे छोरे को तैयारी करवाई मैंने कि बेटा कौन सा गीत गाएगा, बोले वो मेरे देश की धरती सोना उगले। अब उसने तैयारी करी और जैसे मंच के सामने गया सारे भूल गया, और भूलने के बाद स्टार्ट हुआ मेरे देश की लड़की सोना उगले। मन की बेटा मेरे देश की लड़कियां सोना उगलती हैं जब गोल्ड मेडल हिंदुस्तान में जब बाहर से लेकर आती हैं, तब मुझे लगता है कि मेरे देश की बेटियां सोना ही उगलती हैं। क्या होती है माँ, माँ ममता है पिता प्यार है, माँ ममता है पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में सारा संसार है। और कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती।
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ तीन चार बेटों को पाल लेती है, तुम तीन चार बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे लोग हो गए हम, और हमारे संस्कारों को बिगाड़ने में एकेश भैया, राजकुमार भैया दादा बैठे हैं यहाँ पर, हाँ फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है, इन्होंने संस्कार बिगाड़े हमारे। हाँ वही आ गया हूँ मैं, वही आ गया हूँ मैं, इन्होंने संस्कार बिगाड़े फिल्म इंडस्ट्री वालों ने। उस बेवकूफ ने फिल्म बनाई पद्मावती, अरे बेवकूफ क्या पद्मावती की फिल्म बनाएगा तू, हमारी माता रानी है जिसको वंदनी करते हैं पूजन करते हैं, उस माता की फिल्म तो ऐसे बनाएगा तो तेरी फिल्म चल नहीं पाएगा। और ये इन बेवकूफों को मालूम नहीं, पुराने जमाने में ऐसी फिल्में होती थी जिसमें संदेश होता था, जिसमें संस्कार झलकते थे, लेकिन आजकल की फिल्में पूरे परिवार के साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं। फिल्में तो फिल्में, लेकिन गाने भी हम नहीं सुन सकते ऐसे से गाने। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे मोदी जी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, लेकिन आजकल तो पता नहीं चले किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना, आदमी ढूंढता रह जाए। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे कि आज आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने तुझे दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। पुराने जमाने में गीत होते थे कैसे भैया, आजकल के गाने आदमी कबड्डी खेल रहा है ऐसे गाने, तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन ता राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चट्टी फाड़ना मंगा के बल्ले बल्ले। कहते भी तो बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए बोले राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी बोले सरवण पैदा नहीं हो रहे। अरे अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बम्बुल का बोया हो तो क्या बाहर का दोष चला। अच्छे गाने अच्छी फिल्में दिखाएं आप इन्हें। पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हुई, इससे पहले भैंस चराया करता था, आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। नहीं गाने के बोलिए, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तुम्हारी भैंस करती आए आए। एक बार ताली बजा कर बताएं यहाँ। लेकिन आजकल के गाने राजकुमार भी, आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई मोदी जी, गलती कैसे हो गई लटोर भैया, गलती कैसे हुई, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, गलती कैसे हुई बताना पड़ेगा। और गलती का पॉइंट मात्र बस इतना था कि जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी। अगर आपको लगे मैंने सही गलती पकड़ ली तो एक हाथ भी खामोश ना रहे। अभी गलती कहां पकड़ी अपन ने, गलती कहां पकड़ी दी अपन ने, साउंड बहुत बढ़िया आपका, गलती इस कारण नहीं हुई थी। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो फिर रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूना पर तो धोने की जरूरत क्या थी। और आहार व्यवहार लज्जा और काल जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खाने की जरूरत क्या थी, और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी।